जनपद मिर्जापुर कोतवाली थाना क्षेत्र लालगंज के दुबार पुलिस चौकी क्षेत्र सलोरी गांव पहाड़ी बस्ती में 4 तारीख भोर में एक खेत में थ्रेसरिंग हो रही थी और ट्रैक्टर के ड्राइवर आग बार कर बैठा हुआ था। सुबह बिना आग बुझाए सभी जन चले गए और जोर से हवा चलने के कारण आग फैल कर बगल में रखे फसल तक पहुंच गई, जिसमें रमाकांत पुत्र साधु यादव 3 बीघा गेहूं का डांट और एक मड़हा मड़हे में रखा हुआ कुछ खाद्य सामग्री व पुआल की कुटी जलकर पूरी तरह लागत लगभग 34,800 का नाश हो गया। बगल में राकेश कुमार पुत्र धनंजय यादव 1.5 बीघा का पुआल लागत लगभग 2,000 का जलकर राख हो गया। मिथिलेश पुत्र धनंजय 1.5 बीघा का पुआल लगभग 2,000 का नुकसान हो गया। पारस पुत्र स्वर्गीय मधु यादव 1 बीघे का पुआल लागत लगभग 1,500 रुपये का जलकर राख हो गया। बगल में रखा गेहूं का गांच ब्रिजलाल यादव का बाल बाल वहां पर जुटे बहुत से मजदूर व गांववासियों ने हैंड पाइप पानी डालकर बचा लिया। कुछ देर बाद वहां पर पहुंचे दुबार चौकी इंचार्ज रामवंत यादव 102 नंबर गाड़ी फायर ब्रिगेड के लोगों ने लगभग 2 घंटे तक मेहनत करने के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पटेल की खास रिपोर्ट।